आप टाइटल पढ़कर मेरे चैनल तक आए हैं उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करती हूँ। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल जीवन ब्यूटी टिप्स में। गाइस, बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी मेहंदी हेयर पैक कैसे अपने बालों पर अप्लाई करना चाहिए जिससे कि हमारे बालों में बहुत ही अच्छा कलर आए, साथ ही साथ जिनके व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाए। कुछ व्यूवर्स का ये भी कमेंट था कि दी मेहंदी लगाने से हमारे बालों में बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस, रूखापन आ जाता है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं वो भी मैंने इसी वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। मेहंदी से रिलेटेड जिनके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको मेहंदी का घोल कैसे तैयार करना है, कितने टाइम तक बालों पर मेहंदी लगा के रखनी चाहिए जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। कुछ व्यूवर्स का ये कमेंट होता है कि दी हम मेहंदी को पूरी नाइट अपने बालों पर लगा के रख सकते हैं, तो गाइस ये भी मैंने आगे वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। मेहंदी लगाने से आपके बाल रूखे सूखे ना हो उसके लिए आपको मेहंदी में क्या चीज यूज करनी है सारा मैंने डिटेल से इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वरना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप हो सकती है। तो गाइस आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और उसके बाद आज ही इस पैक को बनाकर अपने बालों पर अप्लाई कीजिए। एक तो आपके बालों में बहुत ही अच्छी शाइन आएगी, कलर आएगा, जो व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम है वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इस पैक को आपने कैसे तैयार करना है और कितने टाइम अपने बालों पर लगा के रखना है, मंथ में कितनी बार यूज करना है, तो देखते हैं इस वीडियो में। मेहंदी का पेस्ट तैयार करने के लिए आपको आयरन का बर्तन ही यूज़ करना है। आपको लोहे का कोई बाउल ले लीजिए, लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, इसमें ही आपको मेहंदी का पेस्ट तैयार करना है। अब आपको अपनी कोई भी फेवरेट मेहंदी ले लेनी है, अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको मेहंदी इसमें ऐड करनी है। आप चाहें तो कोई भी मेहंदी ले सकते हैं, बट व्यूअर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि दी बालों के लिए बेस्ट मेहंदी कौन सी है, तो डियर नेहा मेहंदी और कावेरी मेहंदी बालों के लिए सबसे बेस्ट मेहंदी है, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको लेना है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी के आपको 5 से 6 चम्मच चाहिए, मैं यहाँ पर 10 रुपये वाला पाउच यूज़ कर रही हूँ। अब आपको इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपको अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ही मेहंदी ऐड करनी है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आपके बालों को नेचुरल ब्लैक कलर देता है, आपके जो हेयर फॉल है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल करता है। मैंने 1 से 2 चम्मच इसमें आंवला पाउडर ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मैजिकल वाटर, जिससे कि आपके बालों में बहुत ही प्यारा सा कलर आने वाला है। जिनको बालों पर ब्लैक कलर चाहिए वो इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, जी हाँ दोस्तों, जो कि हम किचन में हल्दी पाउडर यूज़ करते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। वैसे इसमें मैंने आंवला पाउडर ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अब अगर आपको बरगंडी कलर चाहिए, डार्क ब्राउन कलर चाहिए, तो इस पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर आपको मेहंदी का पेस्ट तैयार करना है। जब जी अच्छी तरह से, इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको इसे ओवरनाइट के लिए सोक होने के लिए रख देना है और नेक्स्ट मॉर्निंग अपने बालों पर कैसे अप्लाई करना है वो आगे मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे फॉइल पेपर की हेल्प से अच्छी तरह से एयर टाइट कर ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। अब हम देखते हैं कि हमने जो पानी तैयार किया था उसको कैसे करना है। उसके लिए आपको लेना है जी 1 बीट रूट, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, पील ऑफ कर लीजिए और आपको बीट रूट के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। कुछ व्यूअर्स का ये कमेंट होता है कि दी हमें अपने बालों पर डार्क ब्राउन कलर चाहिए, तो अगर गाइस आपको डार्क ब्राउन कलर चाहिए तो आप बीट रूट जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये आपके बालों को नेचुरल कलर देता है, आपके बालों में बहुत ही प्यारा सा टिंट देता है जो कि बिल्कुल नेचुरल है और देखने में भी बहुत ही प्यारा सा लगता है। अब मैंने ले लिया है 1 बाउल, इसमें बीट रूट के आपको छोटे छोटे पीसेस कट कर कर डाल देने हैं। अब कुछ व्यूअर्स का ये कमेंट होता है कि दी मेहंदी लगाने से हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी नज़र आते हैं, तो उसके लिए आपको जो हमने मेहंदी का पेस्ट तैयार किया है उसमें 3 से 4 चम्मच दही के ऐड कर लेने हैं, 1/2 लेमन ऐड कर लीजिए। ऐसा करने से आपके बालों में जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी, साथ ही साथ आपके बालों में फ्रीजीनेस और ड्राईनेस नहीं आएगी। नेक्स्ट आपको लेना है जी चाय पत्ती के 2 से 3 चम्मच, उसको लेकर इसमें ऐड कर दीजिए और अब आपको इसमें ऐड करना है 1 गिलास पीने वाला पानी।
इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आपको जाना है जी अपनी किचन में, और किचन में जाकर आपको करना है गैस का फ्लेम ऑन। हमने जो जो चीज़ें इसमें ऐड की हैं उनको आपको अच्छी तरह से बॉईल करना है 5 से 6 मिनट के लिए। इसको बॉईल करने के बाद आपको इसे ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद स्ट्रेन कर लीजिए, और उस पानी की हेल्प से आपको अपनी मेहंदी का घोल तैयार करना है। गाइस, अगर आप अपने बालों पर कोई भी हेयर पैक लगाना पसंद करते हैं तो इस तरह से इस पानी की हेल्प से उस पेस्ट को तैयार कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा और ऑसम रिजल्ट मिलेगा। अब कुछ व्यूवर्स का ये भी कमेंट होता है कि दी हमारे बालों पर मेहंदी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं टिकती है, जैसे कि हमने 1 हफ्ते के अंदर ही हमारे बालों से रंग निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस, आपको मेहंदी का घोल तैयार करने के बाद ओवरनाइट तक उसे ऐसे ही रहने देना है, और नेक्स्ट मॉर्निंग ही अपने बालों पर अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको शैम्पू की हेल्प से अपने बालों को वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद ही इस पैक को अपने बालों पर अप्लाई करना है, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मैंने हेयर वॉश कर ली है, मेरे हेयर सेमी ड्राई हैं, और मैं इस पैक को अपने बालों पर अप्लाई कर रही हूँ। इस पैक को लगाने के बाद आपको 2 से 3 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। कोई भी शावर कैप पहन लीजिए या फिर पॉलोथिन से अपने बालों को अच्छी तरह से कवर कर लीजिए ताकि आपके बाल ड्राई ना हो, और 3 घंटे के बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश करना है, कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में कुछ व्यूवर्स के ये भी कमेंट होते हैं कि क्या दी हम इस हेयर मेहंदी को अपने बालों पर पूरी रात रख सकते हैं? तो डियर, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूरी रात मेहंदी को बालों पर लगाकर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 घंटे रखिए और नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आई होप गाइस, हेयर मेहंदी से रिलेटेड आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन थे आपको उन सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल गया होगा कि मंथ में कितनी बार आपको मेहंदी यूज करनी चाहिए, मेहंदी पेस्ट तैयार करते हुए क्या क्या चीज इसमें ऐड करनी चाहिए, आपके बाल भूखे ना हो इसके लिए आपको मेहंदी में क्या मिक्स करना है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। जाते हुए इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा, आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन और सपोर्ट मिलती है। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर हमेशा बना के रखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल पर कभी भी विजिट नहीं किया है तो आज ही आप मेरे चैनल जीवन ब्यूटी टिप्स पर विजिट कीजिए, आपको वहां पर बहुत अच्छी अच्छी और यूजफुल होम रेमेडीज देखने को मिलेगी। तो गाइस, मिलते हैं मेरी नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आप जहाँ भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वहां पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स रिलेटिव्स इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।